बॉलीवुड की फिल्में तो धूम मचाती ही हैं, वहीं बॉलीवुड के लव रिलेशनशिप्स भी छुपते नहीं हैं। बॉलीवुड सितारों के लव अफेयर्स के चर्चे जोरों शोरों से सुर्खियों में आते ही हैं, पर वहीं लव ट्रायंगल्स भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज के प्यार का सफर शादी तक पहुँचा, तो वहीं कुछ सेलिब्रिटीज के प्यार के रिश्ते में लव ट्रायंगल भी आए। तो आइए उन सेलेब्स के बारे में जानते हैं जिनके लव अफेयर्स की तुलना में लव ट्रायंगल ज्यादा खबरों में रहे। रेखा, अमिताभ बच्चन, जया भादुरी। रेखा और अमिताभ का प्यार दो अनजाने के सेट से शुरू होकर सिलसिला पर आकर खत्म हो गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि अमिताभ पत्नी जया से शादी करने के बावजूद रेखा को डेट कर रहे थे और यहां तक कि उन्होंने शादी भी रचाई थी। शाहिद कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान। शाहिद कपूर और करीना कपूर का प्यार इनके शुरुआती करियर में ही शुरू हुआ था, लेकिन 2007 में आई फिल्म जब वी मेट में ये दोनों अलग हो गए थे। फिलहाल दोनों ने अपना अलग रिश्ता बना लिया है और वो अपने शादीशुदा जीवन में खुश हैं। हरमन बवेजा, प्रियंका चोपड़ा, शाहिद कपूर। लव स्टोरी मूवी के दौरान प्रियंका चोपड़ा और हरमन बवेजा काफी क्लोज आए थे। फिल्म चाहे बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई नहीं कर पाई हो, पर इन दोनों का अफेयर खूब परवान चढ़ा था। लेकिन फिल्म कमीने के दौरान प्रियंका शाहिद कपूर के प्यार में पड़ गईं। हालांकि प्रियंका का ये रिलेशन भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया था। सुजैन खान, ऋतिक रोशन, बारबरा मोरी। ऋतिक रोशन ने अपने बचपन की दोस्त सुजैन खान के साथ 2000 में शादी की थी। काइट्स मूवी के दौरान ऋतिक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बारबरा के साथ शुरू हुआ, लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों ने पुष्टि की कि ये सिर्फ अफवाह है। फिलहाल ऋतिक और सुजैन अलग हो चुके हैं। सलमान खान, विवेक ओबेरॉय, ऐश्वर्या राय। सलमान ऐश्वर्या बी टाउन की ऐसी जोड़ी थी जिनकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी, पर इस जोड़ी का रिश्ता तब टूटा जब ऐश्वर्या राय ने सलमान पर आरोप लगाया कि वो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करते हैं। फिर उनके अफेयर की खबरें विवेक के साथ आई, जो जल्दी ही अफवाहों में बदल गयी। दीनो मौर्या, बिपाशा बसु, जॉन अब्राहम। बिपाशा अपनी हॉरर फिल्म राज के दौरान दीनो मौर्या से मिली, पर इस रिश्ते की उम्र ज्यादा नहीं थी। उसके तुरंत बाद इस बंगाली एक्ट्रेस ने जॉन अब्राहम को जिस मूवी के चलते डेट किया, लेकिन ये रिलेशनशिप कुछ साल के बाद ही टूट गई। बाद में बिपाशा ने करण सिंह ग्रोवर को कई साल डेट किया, फिर करण से शादी की। शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना। मैं खिलाड़ी तू अनारी के फिल्मांकन के दौरान इस युवा जोड़ी के बीच प्यार खिला। शिल्पा शेट्टी पंजाबी लड़के अक्षय कुमार के साथ प्यार में पड़ गई थी और सही मायने में प्यार करने लगी थी, लेकिन अक्षय ने राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना के लिए शिल्पा को धोखा दे दिया। योगिता बाली, मिथुन चक्रवर्ती, श्रीदेवी। सन 1980 के दौरान अफवाहें उड़ी थी कि मिथुन और श्रीदेवी ने गोपनीय रूप से शादी कर ली थी। उस समय मिथुन पहले से योगिता के साथ शादीशुदा थे, लेकिन जब श्रीदेवी को एहसास हुआ कि मिथुन अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने मिथुन से अलग होकर आगे बढ़ने का फैसला ले लिया। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।